उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल चौमासा बैठ गया, शुरू हो गया। अब क्या करना है? कहेंगे आपको पता है, व्याख्यान भी रोज, सामायिक भी रोज। अच्छा, चौमासे का अभिनंदन किस किस ने किया? हमारा तो कर दिया। चौमासे का अभिनंदन, चौमासे का अभिनंदन कैसे होगा? यदि आप ये संकल्प करें, मैं रोज समाई करूंगा, सारा चौमासा, रात्रि का चौबिहार, 28 भी करूंगा, मेरे से तो होगी नहीं। कम से कम हफ्ते में एक व्रत तो करना चाहिए, उपवास करो, व्रत करो, मतलब आयमिल करो, एकाशना करो, 25 वोल 9 तत्व इस चौमासे की उपलब्धि होगी। कब? यदि सीखोगे, नहीं सीखोगे तो बहने तो सीखने आ रही हैं, भाई बच्चे रात को प्रभास मुनि के पास आते हैं, बाकी भाइयों की छुट्टी है। कहते सीखने सिखाने का काम बहनों का है, भाइयों का नहीं। लेकिन याद रखना, जब दुनिया से चलेंगे तो ज्ञान हमारे साथ जाएगा, सीखा होगा तो जाएगा ना, यदि नहीं सीखा है तो। बहनों ने सीख लिया, बहनों के साथ जाएगा, तो जगह जरूरी तो नहीं है कि घरवाली ने सीख लिया तो अगले जन्म में आपकी घरवाली बनेगी। ऐसा भी हो सकता है तुम घरवाली बन जाओ और घरवाला बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे इस जन्म में आप हुकूमत चलाते हैं, अगले जन्म में हुकूमत सहने के लिए तैयार है ना। और जरूरी नहीं है कि आपका आपस में वैसा रिश्ता हो, एक ने तो धर्म ध्यान बहुत किया है और दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, भावनाएं अलग अलग हैं, तो ये तो समझो कि कुदरती संयोग था, इस जन्म में संयोग हो गया तो अगले जन्म की तो कोई गारंटी नहीं है। कहते मारे फेरे तो 7 जन्मों के लिए है। कितने जन्मों के? 7 फेरों के, वो तो आपने लिए हैं, लेकिन कर्म भी तो क्या है उसके योग्य, कर्म नहीं है फिर कैसे होंगे? 7 जन्मों के थे क्या? आजकल तो इस जन्म में क्या हो जाते हैं, कितनों के सिरे नहीं चढ़ता। कभी जमाना था कि अब पंचों के सामने हामी भरी है, चाहे सुखी है चाहे दुखी है, आजीवन निभाएंगे, लेकिन आजकल तो वो जमाना नहीं है, समय बदल रहा है। तो हम अपनी आत्मा की बात पर चले, देखो सबका ध्यान रखते हैं जी, सभी व्यक्ति सबका ध्यान रखते हैं, नहीं रखते तो किसानी किसका नहीं रखते। कहते हम स्वार्थी नहीं है, हम अपनी चिंता कोई नहीं करते, दूसरों की चिंता में सारा जीवन इसी में निकल जाता है, किसमें भला, दूसरे की चिंता में। कहते जब मैं सबका चिंतन अच्छा सोचता हूँ करता हूँ तो वो भी तो कोई मेरा करेगा, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है जब मौका आता है तो सारे के सारे छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे देखो शमशान भूमि में जाते हैं ना, वो तो शरीर है, लेकिन कितने लोग कहते हैं हम शमशान में छोड़ आए, किसको छोड़ आए, व्यक्ति को छोड़ आए, व्यक्ति तो पहले घर छोड़ के जा चुका है, वो तो देह था, अच्छा उसको जला के क्यों आते हैं भला, जला के आते ना ताकि दोबारा ना आ जाए। कोई दफनाता है क्यों, इतना बोझ लाद देते हैं ताकि उठ के दोबारा ना आ जाए, मतलब जिसने सारा जीवन लगा दिया आज वो व्यक्ति क्या हो गया, भारी हो गया,
अच्छा दिल सोचो, फिर भी आ गया। आजकल तो सभी ने अपने घरों के दरवाजे के आगे घंटी लगाई है ना बेल, और रात के 12 बजे आके उसने स्विच ऑन कर दिया। तो नींद कहाँ आनी थी, जिस समय आवाज आई तो अंदर से आवाज बाहर गई, कौन? कहते इतनी जल्दी भूल गए, जिसको आप छोड़ के आए हो ना, मेरा मन वहां लगा नहीं, इसलिए मैं तो आपके पास ही रहूंगा। कहेंगे भूत आ गया, बापू जी मम्मी जी भूत पूतनी बन के आ गए हैं। और उस समय क्या दशा होगी वाला, दरवाजा खोलोगे? यदि उसने आना हुआ तो आपके दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, उसने तो खिड़की के माध्यम से एकदम उछल करके आपके पास पहुंच जाने हैं। क्या कहेगा वो, अरे निकम्मो, मेरे लिए इतनी भी जगह नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं? कहते कोई नहीं, कल गुरुजी आए उनके पास जाके तेरे को मंगल पाठ सुनाएंगे, आपकी गति कराएंगे। कहाँ की गति कराएंगे वाला? कहते जिसने जीते जी अपनी व्यवस्था नहीं की। कौन सी व्यवस्था? धन दौलत की नहीं, घर मकान शोरूम की नहीं, वो व्यवस्था और है। ये तो सबका सब जितना कुछ इकट्ठा किया है ना, कितना ने तो जीते जी ही क्या कर लेना, अपने नाम करवा लेना। और यदि कोई मानो ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे, हाथों के अंगूठे, जिसका दाव चल जाएगा वो लगा लेगा, और सब कुछ अपने नाम। और उसके नाम का क्या रहेगा वाला, जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया, उसके नाम का कुछ भी नहीं, नेम प्लेट भी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रियां भी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या गया, अपनी व्यवस्था क्या? कहते एक नेक इंसान बनो, दिल में दया भावना रखो, झूठ से बचो, चोरी से बचो, सदाचारी बनो। धन दौलत जमीन जायदाद जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसके लिए अपनी, परिवार की, गांव नगर की समाधि ना तोड़ो, क्लेश ना पैदा करो। अपने बल, पराक्रम, अपने सौभाग्य पर विश्वास करो। दूसरा व्यक्ति हाथों के छीन सकता है, लेकिन मत्थे की, ये तो कहावत है ना, मत्थे की नहीं। सत्कर्म करो, सेवा करो, आपका भाग्य बढ़ेगा। कहा लेने में बहादुरी नहीं है, किस में बहादुरी है? लेना नहीं, देना सीखो। यदि आज परिस्थितिवश लिया है तो उसको 10 गुना बढ़ा करके दो, फिर उस व्यक्ति का गौरव है। और लिया है तो देने का नाम ही नहीं, उसका कोई गौरव नहीं है। दुनिया में ऐसे लोगों को कोई आदर से याद नहीं करता। राजा श्रेणी की कथा में कहानी आती है, छोटी उम्र थी, परिवार की परिस्थितियों से घर से निकलना पड़ा, अकेला है, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, जा रहे थे। प्रसंग तो बहुत लंबा है, सारा थोड़ा सा सुनाऊंगा। तो एक शव यात्रा जा रही थी, सारे कर रहे थे जैसे आजकल करते हैं, राम नाम सत है, यही कहते हैं ना, कहते उसी समय याद आता है, कहते राम नाम सत है, जब लग मुर्दा हाथ है, तभी तक सत है। मुर्दा सारिया, राम नाम विसारिया, कहते जब शमशान भूमि से आते तो आके नहाते हैं ना, जितना वैराग था ये घर ना आ जाए, जे वैराग्य घर में ना आ जाए, इसलिए क्या करते हैं, तालाब में जा करके, सरोवर में, नदी में, कुएं पर जा करके स्नान कर लेते, ताकि वही का वही
रह जाए। अरे जब बेराग घर आ गए तो घर की गाड़ी कैसे जलाएंगे, फिर तो सारे फकीर बन जाएंगे। तो जब ये सारे लक्षण थे तो वह राजा श्रेणी प्रबुद्ध था, कहने लगा चौधरी हो मेरे को जे बताओ जे जीता है या मरा हुआ है, जे जीता है जीवित है या मृत है। तो साथ वाला भाई सोचने लगा कितना मूर्ख है, चंगा भला पता है मरा है फिर भी पूछ रहा है जीवित है या मृत है। उस समय तो कुछ नहीं कहा, घर जा करके जब उसकी बेटी से बात हुई तो बेटी से जब बात हुई कहते जी बात समझ नहीं आई, कहते पिताजी जिसने जे कहा वो तो बड़ा बुद्धिमान, कहते बुद्धिमान मूर्ख, कहते बुद्धिमान, कहते कैसे, कहते उसके पूछने का मतलब था, कहते हैं जश जीवन अपयश मरण, क्या जश जीवन और अपयश मरण, जिसकी जीवनचर्या अच्छी नहीं है, जिनका आचार विचार अच्छा नहीं है, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिसका जीवन व्यसनों से ग्रस्त है, उसका मुंह तो क्या देखना, अच्छे लोग उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जीवित भी मरे के समान है, किसके समान है, जीते हुए भी मरे के समान है, और जिनका जीवन प्रशस्त है, आचार विचार अच्छा, आहार विहार अच्छा, खाना पीना अच्छा, कुव्यसनों से मुक्त है, दुनिया की एक नेक इंसान है, कोई दुखी है तो बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं, जितना समर्थ है ज्यादा से ज्यादा उनका क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति सदा दूसरे के सहारा बनने वाले, जब वह मर भी जाते हैं तो दुनिया उनको याद करती है, अरे यदि वो होता तो मेरा सहयोग देने के लिए वो जरूर आता, चला गया है लेकिन आज भी उसको कैसे याद किया जा रहा है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति मरे हुए भी क्या है, मरे हुए का मतलब गए हुए भी क्या है, वो जीवित है। तो उस भाई का पूछने का मतलब था कि अरे इसने कोई दुनिया में अच्छा काम किया है या नहीं किया, यदि अच्छा किया है तो जे जीवित है, और यदि नहीं किया है तो फिर जे मरा है। कहते हैं इंसान को कैसा जीवन बनाना चाहिए, तीन रास्ते हैं, एक है तामसिक, एक है राजसिक, एक है सात्विक। तामसिक मार्ग क्या है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारने की भी जरूरत पड़े तो क्या मार दो, खाना पीना, ना खाना अच्छा ना पीना अच्छा, ऐसे लोग क्या है, तमोगुण वाले, रजोगुण वाले, जिनका ध्यान सदा खाने पीने की ओर रहता है, चटपटे, किसी को कोई शौक, किसी को कोई शौक, बस उसी में इंद्रियां चंचल है, काम भोगों की ओर ध्यान है, ऐसे राजसिक वृत्ति वाले सात्विक। अरे जैसे गाड़ी को चलाने के लिए तेल डाला जाता है, ऐसे जो हमारा शरीर भी क्या उस गाड़ी के इंजन के समान है, और जिस समय गाड़ी के इंजन में तेल डाला जाता है तो क्या ड्राइवर मालिक उसका स्वाद देखते हैं, वजह देखते हैं साफ है या नहीं, साफ है तो डाल देंगे और साफ नहीं है तो नहीं डालेंगे। ऐसे ही सात्विक लोग, जो खाना मेरे शरीर के लिए हितकर है वो खाना, जो हितकर नहीं है चाहे उसका स्वाद कैसा भी क्यों ना हो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जो शरीर के लिए हितकर है चाहे स्वाद में तीक्ष्णता नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है तो उसको क्या करेंगे, सादा है खा लेंगे। क्यों, कहते उतरा घाटी होई माटी, स्वाद कब तक है,
जब तक मुंह में जीवा से लग रहा है, और जब जब घाटी उतर जाएगा फिर उसके बाद क्या स्वाद होगा? फिर तो उस भोजन के गुण ने काम करना है। स्वाद तो बहुत है, गुण नहीं है, खा लिया है तो नुकसान करेगा। स्वाद चाहे नहीं है लेकिन गुण है, खाने के बाद वो क्या करेगा? काम करेगा। क्या काम करेगा? शरीर को ताकत देगा, शक्ति मिलेगी, निरोगता आएगी, स्फूर्ति होगी, आलस नहीं आएगा यदि उसने खाने का ध्यान रखा। सात्विक लोग जिनका खाना पीना सादा है, शरीर की दृष्टि से स्वाद लेके नहीं खाया, केवल शरीर को चलाने के लिए, और क्या जीवन का ध्येय है, मेरे को किसी का बुरा नहीं सोचना, मेरे को किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का मैंने बुरा नहीं करना, क्या करूँगा? मैं भला बोलूँगा, भला सोचूँगा, भला करूँगा, जिसमें दुनिया में चारों ओर क्या हो? शांति। जीवन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, चारों ओर क्या हो? शांति हो। ऐसी वृत्ति वाले लोग क्या हैं? सात्विक वृत्ति के हैं, वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। मानो उनका बुरा कर दिया है, कोई बात नहीं, जीवन है, गलती किसी से भी हो सकती है, क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। ऐसे सात्विक वृत्ति वाले तो कहा जाता है धर्म ग्रंथ पढ़ो, धर्म शास्त्र पढ़ो, धर्म कथाएं पढ़ो, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। हमें तामसिक नहीं बनना, हमें राजसिक नहीं बनना, हमें क्या बनना है? सात्विक। और सत्व गुण के अंदर रह करके हमें त्रिगुणातीत दशा को पाना है, मतलब इन सब से, क्योंकि हमारा लक्षण जो है, हमारे जो कहा जाता है लेश्याय, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, और एक सातवीं दशा है लेश्यातीत अलेशी। हमारा लक्ष्य क्या है? अलेशी बनना। लेकिन अभी तो कृष्ण लेश्या, नीलेश्या में फंसे हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे? अलेशी अवस्था में कहाँ? पहला हमारा काम क्या होगा? हमें कृष्ण लेश्या से बाहर निकलना है, नीलेश्या से बाहर निकलना है, कपोत लेश्या से निकलना है। वहां से निकल के कहाँ आएंगे? अधर्म लेश्या से निकल करके धर्म लेश्या में आना। धर्म लेश्या कौन सी है? वो तेजो लेश्या है, पद्म लेश्या है, शुक्ल लेश्या है। इन धर्म लेश्याओं में रह करके जो हमारी आत्मा के अंदर अशुभ लेश्याओं के संस्कार है, उनको हमें नष्ट करना है। कैसे नष्ट करना है? शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सेवा के द्वारा, संयम की आराधना के द्वारा, वो हमारे जो अशुभ लेश्यों के संस्कार हैं, कर्म हैं, वो हमारे नष्ट हो, और धर्म लेश्यें हमारी क्या हो? पुष्ट हो। और धर्म लेश्यों में रह करके हमें एक दिन इनसे भी क्या करना है? इनको भी पार करना है। 13वें गुणस्थान तक परम शुक्ल लेश्या है, जब 14वें गुणस्थान में जाते हैं तो लेश्या से अतीत हो जाते, अलेशी हो जाते। सिद्ध भगवान के भी कोई लेश्या नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से वीतरागता, योगों से मुक्त, उस दशा को पाना हमारा लक्ष्य है। तो जो भी हम सामायिक संवर धर्म ध्यान करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वह सबका लक्ष्य क्या है? हमारी आत्मा शुद्ध हो, हमारे अंदर जो खोटे संस्कार जन्म जन्म के बैठे हैं, जिनसे प्रेरित हो करके आत्मा गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, पाप मार्ग की ओर बढ़ता है, उनको खत्म करना। उनको खत्म करने में जे प्रवचन, जे सत्संग, जे शास्त्र स्वाध्याय हमारा परम सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। अब इसके संबंध में और जी फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। सत्संग मिलदा भगवान, फूल कंद कंद जिंदगी खिलदा, फूल कंद कंद ओ लाभ तू उठा ले बंदिया।
तो इस गंगा में पधार करके डुबकी लगाने वाले हमारे समस्त जम्मू क्षेत्र, भले गांधीनगर है, त्रिकुटा नगर है, छन्नी है, जैन नगर है, जैन बाजार है, भले कितने भी उपनगर है, जो जो भी पधार के लाभ ले रहे हैं, सभी को हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और जो सामायिक कर रहे हैं उन्हें विशेष साधुवाद है। और जो अभी तक नहीं कर पा रहे, कोशिश करें, ये मौके बार बार नहीं आएंगे, और अपनी आत्मा को और जागृत करें। तो आज जिनकी तपस्याएं हैं, पहले आज जिनके सामूहिक आई मिल है, एक दो तीन नाम बोले थे बहनों की तरफ से, लिस्ट अभी मौजूद नहीं है, जिन जिन का कल अनाउंस हुआ था वे बहनें आई हैं, तो अपने स्थान पे खड़े होकर के आई मिल का पचकान ले। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, किसी का उपवास हो, व्रत हो, बेला हो, देला हो, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या करने वालों को एक आसना हो, किसी का खड़े एक आसन करने वालों को पोर्सी दो पोर्सी अपनी अपनी धारणा, मन की धारणा अनुसार आज के लिए कोई भी मन में छोटा बड़ा कोई भी नियम ले ले और उसे निष्ठा से पालन करे। मन की धारणा प्रमाण सादर जय जिनेंद्र। जम्मू श्री संघ की पुण्यवाणी है जो उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब थाने 5 का चातुर्मास जम्मू श्री संघ को प्राप्त हुआ है। जम्मू श्री संघ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से गुरुदेव जम्मू में पधारे हैं, श्री संघ का उत्साह देखते ही बनता है। 11 जुलाई 2019 जैसे ही गुरुदेव ने जम्मू में प्रवेश किया, जम्मू का बच्चा बच्चा हर्षित हो उठा। स्वाध्याय और तप की झड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। सुबह शाम गुरु भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्थानक में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई हैं। मैं संपूर्ण जैन स्त्री समाज की तरफ से आप सभी को भी जम्मू में आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी आएँ और गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आप जम्मू नहीं आ सकते तो घर बैठे ही आप इनके प्रवचनों का आत्मा चैनल के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, या फिर आप आत्मा चैनल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर गुरुदेव के प्रवचन उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप इन प्रवचनों का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। आत्मा चैनल जो है इसकी खुद की एक अपनी ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और ये चैनल यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, ताकि आप सब जहाँ भी हों, अपने वर्क प्लेस पे हों, घर पे हों, जब आपको टाइम मिले इस चैनल के माध्यम से आप ये जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं।